नेहा तो नीरज ने आपरो एक अच्छो दोस्त मानती, जबकि नीरज शादीशुदा भी, फिर भी नीरज रे मन में अड़ी बात के करा सके। हेलो, राम राम, नमस्ते, खमा गणी, जय माता जी रिसा। मैं आपरो दोस्त भरत सिंह राजपुरोहित, आपरो अपर यूट्यूब चैनल माते स्वागत है सा। आज आपने एक अलग ही कहानी सुनो, प्रेम कहानी सुनो ला। तो चलो अपरी कहानी री तरफ। उन दिन पूरो मार्केट चकाचौंध होयोडो तो, कटे झालर, लाइटिंग रो प्रोग्राम, होटल, कैफे सब एकदम अच्छे तरीके सजोड़ो था, और पूरा बुक भी, और कटे सरप्राइज गिफ्ट रो प्रोग्राम, और कटे कटे तो जो फूल वाला है काफी जगह वे फूल लेने बैठा है। यूं लागतो कि आज कोई विशेष त्योहार है, त्योहार तो कोई वैलेंटाइन डे, आशिक औरत त्योहार। पूरो मार्केट एकदम चकाचक होयोडो तो, हर जगह यूं लागतो कि चेहरा खिलियोड़ा लोगों रा, एकदम यूं लागतो कि कुछ तो आज खास है। और उन दिन मौसम भी बड़ो कमाल रहतो, झिरमिर बारिश, एकदम ठंडो मौसम। तो अटीने बात करो पर कहानी रे किरदार नेहारी, तो नेहा उन दिन बहुत ही मस्त सज धज ने ऑफिस की थी, लाल कलर की साड़ी, छोटी सी अटे बिंदी लगाने एकदम गजब फूटरी लागती। उन लारे वजह आ होती कि नेहा पढ़ाई रे तौर माते एमबीए कंप्लीट, और एक कंपनी रे मैंने मैनेजर पोस्ट माते। तो उन दिन नेहा ने एक जिम्मेदारी सौंपी हुई थी कि उन कंपनी री अलग अलग ब्रांचों सब लोग उठा आने वाला होता, और उठे एक मीटिंग होती, तो मीटिंग री जिम्मेदारी नेहा ने होती। तो नेहा भी बड़ी खुश लागती उन टाइम, और आपरे काम ने पूरी एकदम अच्छे तरीके करती होती। नेहा रो एक बहुत ही अच्छो मित्र जो साथ में पढ़ी उड़ो, वो भी उन टाइम उठाए हो, तो वो भी नेहा ने देखने बहुत खुश होता, और नेहारी तारीफ भी करी कि आज तो पास्ता और मैंने आप गजब लाग रही हो। तो जिन टाइम वह ऑफिस री मीटिंग चलती है, और मीटिंग री जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके करी उड़ी होती, तो तभी आया है वे नेहारी इन तारीफ भी करी कि वास्तव में मैंने बहुत गजब तरीके इन मीटिंग ने मैनेज करी। तो नेहा बड़ी खुश भी हुई कि वाह, तारीफ हुई है परी। और नीरज भी अटीनो तारीफ कर दी कि नेहा यू आर लुकिंग सो ऑसम इन दिस साड़ी, और दो तीन चार मीटिंग मेरी बात हो, क्योंकि अक्सर नेहा और नीरज बातचीत होती रहती, क्योंकि सेम पोस्ट में होता दो ही, और स्टडी भी दोनों साथ में करी थी, तो दोनों रो कॉन्टेक्ट तो होता ही हो, और साथ साथ रे महीने दोनों री बातचीत होती रहती काम रे रिलेटेड, तो दोनों घुल मिली होता तो पहला ही होता। तो जो ही मीटिंग खत्म हुई तो नीरज नेहा ने कहा कि नेहा कुछ खाने के लिए चले, तो वैसे ही मना करने की तो कोई गुंजाइश होती नहीं, क्योंकि उन टाइम जो ऑफिस रो टाइम होता, जो मीटिंग होती उनमें अड़को भड़को नाश्तो जो होता, तो नेहा भाईसानी थोड़ी भूख तो लागुड़ी होती, यानी कि वाह आलो। तो नीरज और नेहा एक होटल में गया, उठ बैठा और कुछ खायो पियो, और खाने पीने रे बाद मैंने यूँ बैठा ही जा, बातों में नीरज आपरे बैग रे मैंने एक छोटी सी डब्बी निकाली और नेहा रे हाथ में रख दी। जो ही नेहा बिन खोलने देखी तो बिन मैंने एक बहुत ही प्यारी डायमंड रिंग होती। नीरज कहो कि आप इन्हें उंगली में पैर लो, बहुत ही मस्त लगेला, और यूँ कहने एक और लाइन बोली कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। ये तो कहो तो ही नेहा विचार में पड़ गई कि यार मैं तो कभी होचो भी नहीं, क्योंकि नेहा आ बात कभी होची भी नहीं, वे तो सिर्फ एक अच्छा दोस्त होता, और जबकि नीरज शादीशुदा। तो नेहा विचार में पड़ गई कि वो कहीं गए। नेहा मना करती हो कि नहीं, मैं इन अंगूठी ने नहीं ले सकूं। नीरज बार बार कहो कि नहीं, आपरी अंगूठी, आपरे उंगली और मैंने बहुत ही प्यारी लगेला, पैर लो आप। बहुत ज़्यादा फोर्स करियो जने नेहा वह पैर तो ली, और फिर उठूँ आपरे घर वास्ते निकल गई। पूरे रस्ते मैंने नेहा बस आई सोचती कि वह कभी हो चो नहीं नीरज रे बारे में, या फिर कभी उन मन में विचार ही नहीं आया, लेकिन फिर भी नीरज किकर हो सके। उन मन में बस आईज बात आती कि कोई एक लड़को या लड़की अगर अच्छा दोस्त है तो जरूरी थोड़ी है कि उन बिच मैंने कोई प्यार वगैरह रो सीन है, जरूरी थोड़ी है कि उन बिच मैंने कोई कहीं है, क्योंकि कोई भावना और आदान प्रदान, कोई बात रो आदान प्रदान, कोई फीलिंग्स एक दूसरे साथ रे मैंने शेयर करना मतलब बहुत थोड़ी है कि दोनों बिच मैंने प्यार जड़ी कोई बात, या फिर उन आगे री कोई बात है, वहाँ तो जरूरी नहीं है। बस नेहा इन बातों मैंने विचार में लागी। वैलेंटाइन डे,
वैलेंटाइन डे अगर सही समझो नहीं ने तो इन लारे कहानी आया है कि पश्चिम रे महीने एक सेंट वैलेंटाइन जो एक आपरे प्यार में शहादत दी थी उनरी याद रे महीने एक त्योहार तरह मनाया करे वैलेंटाइन डे रे तौर माते। लेकिन आप लोग विने एक अलग ही नजरों लेन बैठा हूँ नजर वाइज की उन वैलेंटाइन डे रे आप खुद रो प्यार रो इजहार करना कोई रे साथ रे महीने प्रपोज करना कि नहीं मन रो बात करनी या फिर विन दिन ने अड़ो समझना कि बस वो तो प्यार रो दिन ही से विने सिर्फ एक सेलिब्रेट करता और आप लोग कहीं और ही समझो। आप पश्चिम रा जो त्योहार है विने तो आप समझ रहा हूँ मना रहा हूँ लेकिन पश्चिम रा जो लोग है उनारी जिंदगी और उनारी जो जीवन यापन है वे किन तरीके में रहे उन चीज ने आप कभी हवल तरीके में समझ भी नहीं हो। आप तो बस अपर जो दिमाग में आयो वे गीत गावना शुरू कर दिया। नेहा बहुत सोच विचार ने घरे भी पूगी लेकिन विने मंद्र महीने आई बात खटकी कि आखिर ओ यो कहीं है। नेहा ने बैठी बैठी एकदम कंटा कई बात दिमाग में आई कि उन्हें चेहरे में तो एकदम स्माइल आ गई। वह आप अंगूठी अंगुली रुमाइन निकाली आप डिब्बी रुमाइन पाची रखी और बैग में रखने उठू रवाना की रवाना कटी ने नीरज रे घरे। उन टाइम नीरज ऑफिस हो तो और नेहा पूगी नीरज रे घरे। वैसे नीरज री पत्नी है वह नेहा ने जानती तो जो ही दरवाजो खोलियो तो वह खुश भी हुई कि नेहा ने देखने और जो ही दरवाजो खोलियो तो वह आपने कहीं लागो कि नेहा सब बता दी उठे कि कहीं बात हुई नहीं। नेहा सिर्फ एक दोस्त के तौर एक फ्रेंडशिप सहेली बनने उठगी और विनु काफ़ी सारी बातों करी और बातों ही बातों और मैंने आप बैग रे मैनू एक डब्बी वा निकाल जो नीरज दी थी अंगूठी वह नीरज री पत्नी ने दी थी और कहो कि आज वैलेंटाइन डे तो नीरज आप रे वास्ते भेजी। हाँ आप भी सोचता वाला और वे नीरज री पत्नी भी सोचो कि नीरज अगर मने कोई गिफ्ट देवन हो तो खुद लेना आ जा तो इन हाथे क्यों भेजियो। तो नेहा उन्हें पहला ही बोलती कि वैसे मंठा है कि थे होता वाला कि नीरज खुद ने क्यों नहीं दी तो नीरज मने खुद ने कहो कि लुगाई और चीजों में मने घणो ध्यान पड़े को नहीं इन वास्ते मने जिम्मेदारी दी तो फिर मने आ मस्त लगी आप वास्ते और शायद आप रे अंगुली माते फाबेला भी। और नेहा इतो कहने और अंगूठी पकड़ाने निकलगी और नेहा ने एक दिमाग में भी आई कि जो नीरज री पत्नी वह वास्तव में खूबसूरत भी है अड़ो भी नहीं है कि वह थोड़ी बदसूरत है तो इन वास्ते वो उन पर पहुंच करियो तो इन्हें खुशी भी हुई कि कोई नहीं आप जो चीज़ होती वह सही जगह मत पहुँचा दी। अब नीरज ने फोन करियो और फोन करने नीरज ने आइज कही कि जो आप मैंने अंगूठी दी थी इन अंगूठी ने मैंने जिन वो सही हकदार है उन तक पुगती कर दी। नीरज विचार में पड़ोगो कि घट भेज दी यानी कहो कि वह अंगूठी मैं आपकी पत्नी ने दी थी आपे तो अच्छा दोस्त हो हमेशा रहे वाला और पर जो आज तक आप जिन तरीके में साथ में होता हमेशा तक रहे वाला लेकिन उन अंगूठी रो हकदार आपकी पत्नी तो उन तक मैं पहुंचा दी। नीरज समझ गो तो बात ने कि आखिर लारे बात कही और आप भी समझ गए वाला इन कहानी रे लारे बात कही। हेलो मारा येरा हितालु दोस्तों की कर लागी कहानी उम्मीद करूंगी कहानी बहुत अच्छी लागी वाला फिर भी कमेंट रो मैंने जरूर बताई जो कि आपने कहानी की कर लागी और हाँ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब बिगर कह कर दिया करो क्यों कंजूसी करो इन मैंने। बाकी अपना दोस्तों ने भी जरूर कही जो कि यूट्यूब माते जो अपर चैनल है जोधपुर इंस्टान भंडार ये तो कहो कि जो फेमस है नहीं पर भरसा वॉइस और भरत सिंह जोधपुर इंस्टान भंडार जो इंस्टाग्राम आते हैं उन्होंने चैनल है और उठे अपर हर हफ्ते महीने एक बहुत ही प्यारो वीडियो आया करे लंबो एक मस्त आवाज रो मैंने और मस्त भावना और साथ रो मैंने एक ज्ञान री बात काम री बात और लगभग आप सब काम आवे जड़ी बात है तो थोड़ो शेयर फेयर करो ताकि औचारों भी मुलक तो रहे और आप लोगों रे चेहरे माते भी मुलक रहा मुलक लाओ तो रहे ठीक है। मिलो अगली कहानी रे साथ।